विधानसभा का चुनाव कराने गठित मतदान दलों की मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर से मतदान केंद्रों के लिए रवानगी शुरू हो गई है। मतदान दल मतदान केंद्र तक 251 बड़ी और 250 छोटी बसों में पहुंचेंगे। मतदान दलों को मतदान केंद्र तक पहुंचने 2 ट्रैक्टर और 1 मोटरबोट का इस्तेमाल भी होगा। मतदान दलों के परिवहन के लिए 501 रूट तय किए गए हैं तथा 10% रिजर्व सहित कुल 551 बसों की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। ईवीएम मशीन को मतदान स्थल तक पहुंचाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वाहनों के अधिग्रहण की व्यवस्था की जा रही है। जबलपुर जिले की 8 विधानसभा के मतदान केंद्रों तक ईवीएम मशीन पहुंचाने के लिए जबलपुर निर्वाचन अधिकारी द्वारा तकरीबन 750 बसों का अधिग्रहण किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी का कहना है कि मतदान केंद्रों के लिए जितने भी वाहनों की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। विभाग के पास वाहनों की कमी नहीं है। 17 नवंबर को मतदान दिवस है, इसमें विधानसभा का मतदान होना है, तो हमारे द्वारा करीब 750 बसों का अधिग्रहण किया गया है और जिसमें से करीब अभी हमारे पास 250 गाड़ियाँ आ गई हैं और कंटिन्यूशन में आ रही हैं। तो इस तरह से ये इस जो विधानसभा का जो मतदान दल है उनको ले जाने के लिए जो जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई थी उसको हम पूर्ण ढंग से निभा रहे हैं और मतदान हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था है और बसों का किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है और मतदान में दलों को जितनी गाड़ी की आवश्यकता उतनी गाड़ियों को हम दे रहे हैं। मतदान दिवस पर बिजली आपूर्ति कहीं बाधित ना हो इसके लिए बिजली अफसरों ने बिना ट्रिपिंग निर्बाध आपूर्ति का प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी सहित प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियों ने तैयारियों की समीक्षा कर निर्बाध बिजली देने का प्लान बनाया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जिस ट्रांसफार्मर से मतदान केंद्र को विद्युत आपूर्ति की जा रही है वहां दोहरी सप्लाई की व्यवस्था की है। सभी मेंटेनेंस पूरे कर लिए गए हैं।